शहर के इतवारी पेट निवासी शुभम भोजराज दमड़ू की दिन दहाड़े हत्या करने वाला आरोपी रोशन कारगांवकर इतवारी पेट स्थित अपने मकान में 11 वर्षीय अल्पवयीन स्कूली छात्रा की अज्ञानता का फायदा लेकर उससे धैर्य व्यापार करवाता था। पुलिस जांच में बुधवार को यह सनसनीखेज मामला सामने आते ही उमरेड शहर में खलबली मच गई। उमरेड पुलिस ने इस मामले में अभी तक रोशन कारगांवकर सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उमरेड शहर के इतवारी पेट में शुभम भोजराज दमड़ू और आरोपी रोशन सदाशिव कारगांवकर का मकान 3-4 घरों के अंतर पर है। बताया गया कि शुभम की हत्या आरोपी रोशन ने अपने मकान पर बालिया उर्फ बादल लेंडे आमगांव देवली निवासी के साथ मिलकर की। इस गंभीर घटना में पुलिस ने रोशन एवं बादल को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार इस हत्या मामले में आरोपी रोशन इतवारी पेट स्थित अपने मकान में अल्पवयीन स्कूली छात्रा की अज्ञानता का फायदा लेकर और उसे लालच देकर उससे धैर्य व्यापार करवाता था। इस घटना की शिकायत पीड़ित 14 वर्षीय छात्रा ने पुलिस अधीक्षक विजय मगर, एडिशनल एसपी डॉक्टर राहुल मांगणीकर, उप विभागीय पुलिस अधिकारी पूजा गायकवाड़ आदि ने उमरेड पुलिस स्टेशन और वहां से घटना स्थल को भेंट देकर निरीक्षण किया। पीड़ित छात्रा से घटना के संबंध में जानकारी लेकर उसकी शिकायत पर एक और मामला दर्ज किया गया। इसमें रोशन कारगांवकर इतवारी पेट उमरेड, गजानन मुरुस्कर इतवारी पेट उमरेड, प्रेमदास गाठी बांधे, राकेश महाकालकर, मयूर दलाल सभी इतवारी पेट उमरेड, गोविंद नटे, निखिल नरूले, सौरभ रीटे, नितेश फुकट, प्रद्युमन कस्टकर सभी रानबोड़ी पुनर्वास निवासी को उमरेड पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंगलवार तक 9 लोगों को एवं बुधवार को मयूर भास्कर दलाल सहित 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला अधिकारी ने उससे पूछताछ की तो उसने जो भी उसके साथ जबरन ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था वो उसने पूरी तरह से बताया पुलिस को, और पुलिस ने प्रोएक्टिवली इसमें जाके उसको समझा के, विक्टिम को समझा के, अच्छे से समझा के उसको उसकी हमने FIR दर्ज करवा ली है। और उसमें अभी तक हमें 10 आरोपी निष्पन्न हुए हैं, 9 आरोपी अटक है और एक जो आरोपी है वो ऑलरेडी 302 में गिरफ्तार है, बाकी पूछताछ अभी चालू है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।